मध्य प्रदेश के कटनी जिले के माधवनगर क्षेत्र में बेजा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराए जाने की बात लगातार सुर्खियों में है। निगम और राजस्व अमला लाभ लश्कर के साथ अतिक्रमण के लिए यहां पहुंचा, जहां निगम प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम सहित पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद रहा। माधवनगर क्षेत्र के सिंधी समुदाय के लोगों का कहना है कि सिंधी समाज का राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं। प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण कार्यवाही के विरोध में जन सैलाब आक्रोशित है। वही उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ लामबंद होकर विरोध जताया। पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि करोड़ों की जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया गया, जमीन को वापस नजूल में लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। अतिक्रमण है ही नहीं, कार्रवाई करना बिल्कुल नाजायज है। मेरे को 5100 वर्ग फीट का नियमानुसार विधिवत शासन द्वारा पट्टा 5100 वर्ग फीट का 60x85 का पट्टा मिल चुका है, जिसकी लगातार हम भूभाटक की राशि, जिसको हम लीज कहते हैं, 23-24 तक हमारी जमा है। माधवनगर में लगातार जनता के माध्यम से, पत्रकारों लोगों के माध्यम से और शिकायतों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो उपनगर कार्यालय है नगर निगम का, उसके साइड में अवैध निर्माण हो रहा है, कब्जा हो रहा है। यहाँ पे आके देखा गया तो कोई अवैध निर्माण नहीं पाया गया, लेकिन कब्जा था जो की पत्र के रूप में सेट किया गया था। लगभग 11,000 स्क्वायर फीट जमीन है जिसको प्रशासन ने कब्जा अपने ऊपर ले लिया है और अब इन जमीनों को नीलाम करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं अभी मेयर साहब आ रहे थे कि उनका कहना था कि नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई नहीं की है। एक ये भी साजिश लग रही है, मुझे तो इस कार्रवाई में बहुत बड़ी साजिश लग रही है। सबसे पहले कल खबर आई कि नगर निगम ने यहाँ से सामान जब्ती की है, सभी लोगों को बोला कि काम बंद रखो। जब यहाँ के लोगों ने काम बंद रखा तो आज चोरी छुपे सवेरे 6 बजे से पूरा प्रशासनिक अमला लेके ये कार्रवाई क्यों? सबसे पहले अगर हम लोग गलत हैं, पहली बात तो गलत नहीं है, अगर आप पूछते हो कि नक्शा पास है कि नहीं है, तो मैं नगर निगम से या अधिकारियों ये पूछना चाहता हूँ कि माधवनगर में किसका नक्शा पास है? अगर हम नक्शा पास करवाएं तो किस कागज पे, किस बेस पे आपका हमारा नक्शा पास करेगी नगर निगम या प्रशासन? हमारे पास पट्टा होगा, जैसा क्या पार्षद है जी मैं बोलूं, हमारे पास पट्टा होगा तो मैं नगर निगम में लगाऊंगा कि हम मेरा नक्शा पास करो। जब पट्टा है नहीं, 4 पीढ़ियां हो गई, कई सरकारें आई, हमको हमारी कौम को भिखारी बना के रख दिया है, सबने हमसे वोट ले लिया, काम हमारा ना हमारे समाज का किया नहीं।